हेलो दोस्तों, आप अपने शहर से गांव की ओर जो ही बढ़ते हैं तो आपको तारों पर बैठे नीले रंग की छटा लिए हुए मनमोहक नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो ही जाते हैं। आज का वीडियो समर्पित है इस सुंदर से पक्षी पर, जो कि आकर्षक तो है ही, साथ ही इसका पारिस्थितिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। तो आइए जानते हैं नीलकंठ के विषय में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में। नीलकंठ को अंग्रेजी में इंडियन रोलर बर्ड कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम कोराशस बेंगालेंसिस है। यह रोलर प्रजाति का बर्ड है, जिसमें यूरोपियन रोलर और लीलियक ब्रेस्टेड रोलर जैसे रोलर्स भी आते हैं, लेकिन इंडियन रोलर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुरता में पाया जाता है। मैना से थोड़ा बड़ा नीलकंठ स्वभाव से आक्रामक होता है, खास करके मीटिंग सीजन्स के टाइम पे, जो कि मई जून का समय होता है। यह आक्रामक स्वभाव मादा नीलकंठ को आकर्षित करते समय कॉम्पिटिटर नीलकंठ पक्षियों में अक्सर देखा जा सकता है। साथ ही नीलकंठ उड़ते वक्त एक्रोबैटिक्स यानी कि कलाबाजी परफॉर्म करने के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर यह भी मादा को आकर्षित करने के लिए ही किया जाता है। जरा इस फुटेज पर गौर करिए, इसकी ट्विस्ट एंड टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स वाली उड़ान की वजह से ही इसके नाम में रोलर शब्द का उपयोग किया गया है। नीलकंठ भारतीय उपमहाद्वीप में कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से पता चलता है कि भारत की तीन राज्य उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका, इन तीनों राज्यों ने इसे अपना राज्य पक्षी घोषित किया हुआ है। अगर बात करें नीलकंठ के भोजन की, तो नीलकंठ छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और अन्य सरीसृपों को अपना भोजन बनाता है। इस तरह से यह पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक अहम रोल निभाता है, साथ ही किसानों का सहायक भी होता है। नीलकंठ पेड़ों में बनी हुई दरारों या कोटरों को अपना आवास बनाता है। नीलकंठ वुड पिकर यानी कि कठफोड़वा के बनाए हुए होल्स को भी उपयोग करता है अपने अंडों और चूजों की परवरिश व सुरक्षा के लिए। नीलकंठ की अगर आवाज़ की बात करें तो नीलकंठ की आवाज़ कर्कश होती है, कुछ इस तरह की। नीलकंठ को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नीलकंठ, पाला पिट्टा, इंडियन ब्लू जे। एक बहुत ज़रूरी बात, इंटरनेट पर बहुत से आर्टिकल्स और यूट्यूब में बहुत से वीडियोस में किंगफिशर और ब्लू जे को नीलकंठ बताते हैं। सो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये शायद जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में बने हुए वीडियोस हैं। नीलकंठ कहीं से भी दूर दूर तक किंगफिशर या ब्लू जैसे मेल नहीं खाता है। अब अगर बात करें आध्यात्मिक महत्व की, तो भारतीय परंपराओं में नीलकंठ पक्षी के दर्शन को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जैसा कि विजयादशमी पर्व पर नीलकंठ के दर्शन को शुभ माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ को आदि योगी शिव जी का रूप माना जाता है। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसी परंपराओं के चलते कुरीतियाँ भी होती हैं। जैसे दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को पकड़कर छोड़ना और कुछ लोगों का नीलकंठ को कैद कर दर्शन कराने लाना, कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो नीलकंठ के अस्तित्व पर खतरे में से एक हैं। बहरहाल जागरूकता के चलते अब यह चलन कम हो गया है। दूसरी तरफ बढ़ते शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग नीलकंठ के साथ साथ और भी जीव जंतु जो इकोसिस्टम को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं उनके लिए एक खतरा है, लेकिन इंसानों की थोड़ी सी जागरूकता इसे बैलेंस कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि नीलकंठ और सारे ही खूबसूरत पक्षी, जो कि हमारे ऊर्जा तंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, हमारे साथ बने रहें, तो प्रकृति के साथ बैलेंस जरूर बनाइए। तो ये था आज का वीडियो नीलकंठ पक्षी के बारे में। कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी कैसी लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ मेरा सबसे प्रिय पक्षी है, और इस वीडियो में आपने नीलकंठ के जितने भी वीडियोस देखे, ये मेरे द्वारा ही मेरे कैमरे से कैद किए हुए हैं। तो मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।